नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या ऐसी बातें हैं जो उनके दिमाग में घूमती जा रही हैं, जो वो आपको शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। देखते हैं क्या है। आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस वक्त उनके दिल का हाल जानते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, तो एक कार्ड में मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको एक एक छोटी छोटी बातों पर अटक कर रह चुके हैं आपके पर्सन। छोटी छोटी बातों पर, कोई छोटी सी बात हो के झगड़ा कर लिया, कुछ छोटी सी बात हो के आपसे रूठ गए, छोटी सी बात हो के आपको ब्लॉक कर दिया। आपके पर्सन को भी ये फील हो रहा है कि उनको ना अब बड़ा सोचने की जरूरत है, बड़ा सोचो, और वो सोच नहीं पा रहे हैं। वो छोटी छोटी बातों पर अटक चुके हैं। सैजिटेरियस राशि हो सकती है उनकी धनु राशि, ठीक है। उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, जबकि उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। तो अपने करियर के ऊपर जो कुछ भी उनको अपने लाइफ में करना है उसके ऊपर वो अब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान पूरा आपकी तरफ लगा हुआ है। और वैसा कुछ होगा कि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देगा। आप देखोगे कि आपके पर्सन अब तक छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, लेकिन अब वो बड़ा सोच रहे हैं। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ऐसा उनको बहुत फील हो रहा है। ठीक है, और एक कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। एक तो आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत बातें बिगड़ चुकी हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शांति नहीं है मन को, ठीक है, और आपके बिना भी मन को चैन नहीं है। उनके सुकून चैन कहीं गायब हो गया है। जब से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या जब से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दिया है, उनके भी मन को चैन और सुकून नहीं है। वो भी आपके बिना बड़े परेशान हैं और इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें, बहुत ही ज़्यादा चैन और सुकून जैसे गायब हो चुका है आपके पर्सन का। पाइसी राशि भी हो सकती है आप में से किसी की, या आपके पर्सन की पाइसी राशि हो सकती है गाइस। ये देखो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन अब जो भी डर है, जो फियर है, अब तक जो फियर इस इंसान को परेशान कर रहे थे, जिस फियर की वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, अब वो फियर दूर हो रहे हैं। और अगर नहीं दूर हो रहे तो आपके पर्सन उस डर से निकलना चाहते हैं। बॉटम में है देखो, पावरफुल चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में। बहुत हो गया झगड़े करना, बहुत हो गया एक दूसरे को परेशान करना, छोटी छोटी बातों के लिए जो आप दोनों के बीच में झगड़े चलते रहे। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मन में डर भी था। अब तक कुछ बातें ऐसी थी जो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि कोई डर है, किसी डर की वजह से वो शायद कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, या कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन के मन में जो डर है शायद वही वजह थी कि वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। आपके पर्सन उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं गाइस। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई लॉजिक ना वर्क नहीं कर रहा है। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो उनके इमोशंस है, जो उनकी फीलिंग्स है, वही उनको गाइड कर सकती है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, इतना ज़्यादा ऊपर ऊपर से सोच कर, हो सकता है बहुत जज कर लिया इस इंसान ने, गलत तरीके से जज किया आपको। हमेशा लॉजिक के ऊपर चलता रहा इंसान, कभी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने दिल के बारे में सोचा कि उसका दिल चाहता क्या है। तो अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उनकी फीलिंग्स ही उनको सही में गाइड कर सकती है, ना कि कोई लॉजिक काम आने वाला है अब, ठीक है। कोई मैजिक, लॉजिक की बात नहीं हो रही अब, मैजिक की बात हो रही, कोई चमत्कार ही है जो ये इंसान आपको भूल नहीं पाता है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग आपके पर्सन डर की वजह से अपने आप को पीछे, ठीक है, अपने आप को पीछे लेकर आ रहे थे, अपने आप को रोक रहे थे। अब वो उस डर से निकलना चाहते हैं, अब वो उस डर में नहीं जीना चाहते। अब इस इंसान का डर भी निकल चुका है, और अब तक ये इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था उस डर की वजह से, वो बातें अब आप देखोगे कि चेंज हो रही है। अब ये इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान खुद आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है,
अब तक जो इंसान आपसे भाग रहा था, अब तक जो इंसान आपको अवॉइड कर रहा था, वो एक डर बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आप सोलमेट भी हो सकते हो, किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा कि आप सोलमेट हो। अब तक जो कुछ प्रॉब्लम थे आपके पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं फटाफट, बहुत हो गया दूर रहना, बहुत हो गया एक दूसरे से झगड़े करते रहना, अब वो जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, मे बी बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि वो बहुत दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनका मैनिफेस्टेशन वर्क भी कर रहा है। अब आप देखोगे हालात बदलते हुए, चीजों को बदलते हुए आप देखोगे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो और इस इंसान ने हमेशा रूडली व्यवहार किया था आपसे, और आपके जो पर्सन है मतलब बहुत हमेशा प्रैक्टिकल, और इस वजह से आपको बहुत दुख झेलना पड़ा था इस रिश्ते में। एक ऐसी भी एनर्जी कि आप डिप्रेस हो गए थे या अभी भी आप बहुत परेशान हो, और आपके पर्सन चाहते कि ये जो परेशानी है, ये जो टेंशन है, अब इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। सोच भी नहीं सकते इंसान कितना ज़्यादा आपको मिस करता है, कि इंसान अकेले में आपसे बातें करता है, ये इंसान इमेजिन करता है कि आप उनके पास हो, विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर कोई सवाल है इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन के मन में, चाहे वो शादी का हो, चाहे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने का हो, यस आंसर है, उनको लगता है होगा ही होगा, एक विश्वास उनके अंदर आ गया है कि ये होगा काम। जो भी इस रिश्ते को लेकर जो कुछ भी उनकी थिंकिंग है, जो कुछ भी सवाल है उनके मन में, उनको लगता है डेफिनेटली, अगर आपकी शादी का सवाल तो डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी, ऐसा उनको लगता है। अगर कमिटमेंट की बात है तो उनको लगता है कि हाँ वो कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, ऐसी कुछ सिचुएशन है, ऐसे कुछ हालात आप बन चुके हैं कि वो उस डर से बाहर निकलकर अब वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो दे सकते हैं, ये उनकी सोच है। अब तक जो भी हो रहा था, जैसे भी चल रहा था ये रिश्ता, अब बहुत अच्छी तरीके से रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, हाईएस्ट गुड, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके पर्सन अब तक बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच सोच कर चिंतित हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे कि हर दिन जिंदगी बदल रही है, हर दिन हर पल जिंदगी बदल रही है, तो क्यों उस पास्ट की बातों को लेकर इतना मन में डर लेकर बैठे। जिंदगी हर वक्त बदल रही है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ, कोई भी चीज एक जैसे नहीं रहती, तो हालात भी क्यों एक जैसे रहेंगे, ये आपके पर्सन के मन में बहुत ज्यादा ऐसे सोच आ रही है। कोई तो ऐसी बात है आपके पर्सन के लाइफ में जो बात इस इंसान को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। आपके पर्सन अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाना चाहते हैं, आपके पर्सन आत्मविश्वास के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आज तक उन्होंने आपकी केयर नहीं की है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी केयर करना कितना जरूरी है, आपको संभालना कितना जरूरी है, प्यार है, वादा किया है, उसको निभाना कितना जरूरी है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, ठीक है। इंसान बोलने के लिए तो हो सकता है बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, बहुत प्रॉमिस किए हो इन्होंने आपको, लेकिन ऐसा एक्शन में आपको कभी दिखाई नहीं दिया होगा। बोलना कुछ और था इस इंसान का और करना कुछ और, तो अब ये इंसान समझ पा रहे हैं कि बैलेंस करना कितना जरूरी है, कि जो वो बोलेगा वो क्या कर पाएगा, ठीक है। जो बोलना है सिर्फ बोलना क्यों है, फिर करके दिखाना है। तो अगर इस इंसान ने कोई वादे किए तो उस वादे को निभाने की कोशिश अब आपके पर्सन करेंगे, वो सिर्फ बोलकर नहीं दिखाना चाहते, वो उन बातों को करके दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने आपको वादे किए हैं। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, इस रिश्ते का जैसे कि एक रिबर्थ होने वाला है, सब कुछ नयापन आने वाला है इस रिश्ते में। आपको भी ऐसा फील होगा कि ये कैसा मैजिक है, ये कैसा जादू है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी आपके पर्सन को फील हो रहा है आपके लिए, वो मिलना चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन बहुत खींचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी बात को लेकर जेलसी हो रही थी, कोई ऐसी बात हो सकती है कि जब भी वो आपको देखते थे, जब भी वो आपके बारे में सोचते थे, उनको एक जेलसी भरी भावना होती थी, अब वो उस एनर्जी से निकल जाएंगे बाहर। आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि वो कितना भी कुछ कर ले, जो किस्मत में है या जो उनको मिलना है वो मिलकर रहेगा, ठीक है। इतना सब किसी चीज के पीछे भागकर, सक्सेस हो या पैसा हो, कोई फायदा नहीं होने वाला, शांति से काम करके जो मिलना है वो मिलकर तो रहेगा, तो इतना ज्यादा बर्डन लेकर, इतना ज्यादा परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। ये कुछ चीजें समझ में आ रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन इस रिश्ते में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो ये बात है गाइस, बहुत ही पावरफुल चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन। अब उनको समझ में आ रही है सारी बातें, बहुत रह लिया आपसे दूर,
फाइव ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि किसी दूसरे की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, या कोई और ही लोग थे जो आपके पर्सन, एक डर था उनके मन में, किसी किसी के लिए घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई आपके कान भरने की कोशिश करता है, आप दूसरों की बातों में आ जाते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो छल कपट किया आपके साथ वो ठीक नहीं किया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, आपके भोलेपन का फायदा उठाया गया, जिस तरह से आप इस इंसान के ऊपर विश्वास रखते थे आपके विश्वास का फायदा उठाया गया, जिस तरह से आपका भोलापन है, हो सकता है इस इंसान ने कुछ बातें अपने स्वार्थ की बातें की हो और आपको समझ में भी नहीं आया, आप इस इंसान का साथ देते चले गए और जबकि आपका फायदा उठाया जा रहा था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। तो आपके पर्सन को एक तो डर था कि कोई दूसरों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो इस इंसान ने जो आपका फायदा उठाया, जो आपके साथ पॉलिटिक्स किया, हमेशा एक खेल खेला गया आपके साथ। कुछ लोगों के साथ रिजल्ट करेगा कि इस इंसान ने बहुत माइंड गेम खेले हैं आपके साथ और आप इस इंसान के ऊपर हमेशा ही विश्वास रखते चले गए। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, इस इंसान को इस बात का डर है कि कहीं आपको वो सारी बातें समझ में ना आए कि किस तरह से इसने खेल रचा, किस तरह से इसने आपको पाने के लिए या आपके विश्वास को जीतने के लिए कई बार झूठ बोला, हो सकता है किसी का सहारा लिया इसने। कुछ बातें ऐसी कि अब आपके पर्सन सरेंडर करना चाहते हैं, अब वो और लड़ना नहीं चाहते हैं, अब वो और झगड़े नहीं चाहते हैं, फसाद नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं प्यार से रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में सुकून और चैन वो चाहते हैं। लिब्रा एक्वेरस जेमिनी राशि हो सकती है आप में से, नंबर 5 आपके लिए खास हो सकता, 55 क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि 55 555 शायद आपको दिखाई दे रहा हो या आपके पर्सन को दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ ऐसे भी एनर्जी में है कि हो सकता है इनको लगता है कि उनके लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कुछ दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है, या इस रिश्ते को अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे, अगर वो शादी की बात करेंगे तो उनको इस बात का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि इंसान इसलिए पैसों के पीछे भाग रहा था इतने दिन कि उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था। हो सकता है किसी न किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं आपके पर्सन, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके पर्सन के लाइफ में और आपके पर्सन उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन आपसे हेल्प चाहते हैं, वो सपोर्ट चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, किसी किसी के लिए इमोशनल सपोर्ट हो, एक हिम्मत। आप इस इंसान से बात भी करोगे तो इस इंसान की हिम्मत बढ़ जाएगी, इंसान को जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो आपसे मिलेगा। आपके पर्सन इस वक्त बहुत अकेले पड़ चुके हैं गाइस, अकेलापन फील कर रहे हैं, मायूस। राशि है टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन, देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन किसी ना किसी बात को लेकर बर्डन तो हो रहा है, कोई जिम्मेदारी का बोझ हो सकता है किसी किसी के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को बहुत सारी बातें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे स्टडी को लेकर हो, चाहे घर वाले हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे फ्रेंड्स हो, मतलब हो सकता है इंसान को हर तरफ ध्यान देना जरूरी है, हो सकता है इस इंसान को बहुत सारी बातें ना परेशान कर रही हैं, एक से ज़्यादा विचार इनके दिमाग में चलते रहते हैं, ये इंसान अपना पूरा फोकस आपके ऊपर करना चाहते हैं, आपकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी ओवरलोड की वजह से काम बहुत है या कुछ बातें ऐसी जो इस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ बातें ऐसी जो इस इंसान को परेशानी में डाल रही है। के पर्सन के पास अगर ऑप्शन थे तो इस इंसान को एक बात समझ में आ रही कि आप ही आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ वो शादी कर सकता है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकता है खूबसूरत तरीके से। इस बात का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है, वो समझ पा रहे इस बात को कि कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई और इतना काबिल नहीं है कि वो उसका लाइफ पार्टनर बने, ठीक है। एक बात यहाँ पर साफ तरीके से दिखाई दे रही है कि कंफ्यूजन है लेकिन समझ भी पा रहे हैं कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है। एक मैसेज निकालेंगे इसमें से, क्या आता है देखते हैं। आपके पर्सन जिस स्ट्रेस में है ना गाइस, वो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, अब वो और स्ट्रेस में नहीं जीना चाहते हैं, और उनकी खुशी आपके साथ है। उनको समझ में आ चुका है कि अगर वो आपसे दूर रहेंगे तो वो इसी स्ट्रेस में रहेंगे और उनको इस स्ट्रेस में नहीं रहना है। के पर्सन इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, ये इंसान इस स्ट्रेस में नहीं जीना चाहता।
वो आपको भी स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहते हैं। मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को। देखते हैं एंजल इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट गो, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे लेट गो करना जरूरी है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रेस हो चाहे कोई परेशानी हो। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कोई बदलाव आपके जीवन में आएगा, ठीक है। नया साल भी आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो परेशानी है जो टेंशन है उससे लेट गो करना जो जरूरी हो गया है आपके लिए, और आप होके उसी चीजों में अटक रहे हो, आप होके आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हो। एंजल खुद आपसे कहते कि आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको पास्ट के नजर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।